यहाँ पे जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं अपने, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है अपने अभी जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की है, तो इसमें सीपीसीटी का जो जितना भी है वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ट्रिपल सीसीपी एग्जाम होता है जिसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो उसमें आते हैं वैसे ही यहाँ पे सीपीसीटी में होता है। तो ये जो सीपीसीटी की आंसर की है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं ट्रिपल सीसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है आपके लिए काम आएगा। साथ ही यहाँ पे आंसर की जो है अपनी, उस आंसर की में आप देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन थे किस प्रकार थे और जो है यहाँ पे किस तरीके से जो है इसके यहाँ पे पेपर जो है आपका पूछ गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पेपर्स अभी हुआ है जस्ट, तो उसकी जो है यहाँ पे आंसर की है टेस्ट 07 लिखा है यहाँ पे, 7 अगस्त 2000 जो है यहाँ पे कितना है 21 है, शिफ्ट जो है यहाँ पे 1 का है। तो चलिएगा यहाँ पे हम देखते हैं इसमें जो है अपने क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है कैसे है। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें इस बार जो आंसर की डाली है थोड़ा डिफरेंट तरीके से डाली है। जैसे कि जो क्वेश्चन होते हैं तो वो कहाँ से लिया गया है कैसे लिया गया उसका भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो ये जो है यहाँ पे सीपीसीटी है, ये जो है टॉपिक्स मतलब क्वेश्चन उठाए हैं ना सॉफ्टवेयर से लिया है, सब टॉपिक है यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रो टॉपिक यहाँ पे लिखा है इन्होंने विंडोज। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है नॉलेज है, और सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम है, सेट यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने 50 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चलिएगा, अब इसके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं और जो है हम जल्दी से फटाफट अच्छे तरीके से जो है जल्दी जल्दी करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है क्वेश्चन 1 है, तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट मिलेगी क्योंकि थोड़ा मतलब जो आंसर की बनाई है तो उसमें थोड़ा सा जो टाइप करती है तो उनकी जो टाइपिंग होती है या टाइप करने का जो वो वहां पे बनाते हैं पेपर, तो गूगल इनपुट में बनाया जाता है ना, तो गूगल इनपुट की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे लैंग्वेज वैसी हो जाती है। वह असिया असिस लिखा हुआ है जो वो सारे विकल्प दिखाता है जिन्हें आप विंडो पर काम करने के दौरान चुन सकती हैं उसे कहते हैं। अब जो देखिए असिया है यहाँ पे, ये क्या है असिया है, असिया मतलब एक छोटा सा ऐसा आइकन आता है अपना, मतलब तो अपने जो माइक्रो सॉफ्ट ऑफिस जैसे अपन खोलते हैं करते हैं या वर्ड में टाइप करते हैं तो जैसे कि अपना कर्सर चलता है ना वैसे ही यहाँ पे जो है एक ऐसे असिया सा टाइप का। तो यहाँ पे आपके पास जो है काम करने के दौरान जो सकते हैं उसे कहते हैं, ऑप्शन है टेबल है मेन्यू बार है और आइटम है। हासिस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो है तो यहाँ पे देख लेना है, तो सही आंसर इसका क्या था मेन्यू बार था, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि 75 क्वेश्चन है और वो भी है, तो जल्दी जल्दी से हम देख लेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो डिजिटल सिस्टम है अपना तो इसमें करेक्टर है बाइट है टैक्स है और यहाँ पे बिट, यहाँ पे बिटी बटी लिख दिया है बट वो इस तरीके से क्या होता है अपना बिट होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है देखते हम, जिसमें पूछा है आपसे, कहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है, तो सीपीयू का जो है भाग नहीं है वो आपको बताना है। एएलयू है मेमोरी है स्टोरेज यूनिट है कंट्रोल यूनिट है, तो यहाँ पे देखिएगा सही आंसर है यहाँ पे डिस्क ड्राइव क्योंकि ये जो है नहीं होता है हमारे सीपीयू में। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका है यहाँ पे जिसमें आपसे पूछा है, यानी कि डिफरेंट की डालिए इस बार इन्होंने आंसर की जो है वो थोड़ा अलग है। हार्ड डिस्क में प्रत्येक के स्तर का आकार कितना होता है, तो यहाँ पे देखिएगा 512 बाइट्स और 1024 बाइट है, 256 बाइट से 128 बाइट है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या है 512 बाइट है। हमें सिर्फ करना क्या है अपनी आंसर की है उसका जो क्वेश्चन है उसे देखना है। ट्रिपल सीसी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो वो भी सारे स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं और इसके जो है यहाँ पे नोट्स बनाना हो तो नोट्स भी बना सकते हैं। एक जब आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है तो आप उसे ऑनलाइन चैट करते समय अपने
आपको एक दोस्त को लाइव वीडियो रेलिंग करने की अनुमति देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटर है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है। तो सही आंसर क्या है? वेबकैम है। जैसे कि अब लाइव आप आओगे तो लाइव आने के लिए आपको जरूरत होगी आपके वेबकैम की, चाहे आप लैपटॉप से आइए चाहे मोबाइल से आइए। तो आपके फ्रंट में भी एक क्या होता है, कैमरा होता है, जिसमें आप सभी क्या करते हैं, वेबकैम कहलाता है। मतलब जब आप फ्रंट कैमरा यूज करेंगे तो वो वेबकैम के रूप में आएगा। आप सीबीसीसी का पेपर देने गए थे, आपका बायोमेट्रिक हुआ होगा, तो उस बायोमेट्रिक में आपने देखा होगा कि आपको बिठाया गया था, आपके सामने एक छोटा सा कैमरा लगा होगा, एक वो क्या था, वेब कैमरा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रिंटर का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे जो प्रिंटर लिखा है वो प्रिंटर है, लेजर, थर्मल इंकजेट। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो है प्रिंटर का प्रकार नहीं है, लेजर प्रिंटर होता है, थर्मल होते हैं, इंकजेट भी होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे जो है डी होगा, यानी 4 इसमें दिया है। तो इस प्रकार से है। यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि आपसे पूछा है, इसमें कहा है आपसे प्रोग्रामर द्वारा है, ये जो लिखा है प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए प्रोग्रामर निर्देशों को उस भाषा में परिवर्तित करते हैं जो कंप्यूटर समझते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्या है, ट्रांसलेटर सही आंसर है इसका, है ना। तो इस प्रकार से हम जल्दी जल्दी आंसर की अपनी देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है और 52 कंप्यूटर के जीके के क्वेश्चंस आपके सीपीसीटी के लिए यहाँ पे हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। और इवनिंग में जो है आपको वीडियोस मिलेगा 8 बजे, है ना। तो उसमें जो है आपका कंप्यूटर्स का क्वेश्चंस रहेगा और उसमें इतने कंप्यूटर के क्वेश्चन कराएंगे, कम से कम 4000 क्वेश्चन की जो है हमारी क्या चलेगी, सीरीज चलेगी। तो इसमें आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन लगातार कराए जाएंगे, सीपीसीटी के लिए रहेगा, ट्रिपल सीसी के लिए भी रहेगा, दोनों के लिए जो है स्पेशल है। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फाइल को खोलने, सेव करने और यहाँ पे प्रिंट लिखा यानी पेस्ट करने, बंद करने के लिए कमांड शामिल होती है। तो यहाँ पे जो है फाइल होता है ना, जो कि ऑपरेटिव नहीं, यहाँ पे प्रिंट है ये, है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा यहाँ पे आपको की मतलब जो है थोड़ी वैसी लग रही होगी, बट मैंने इसे अच्छे तरीके से देखा इसमें क्या क्या है। तो बहुत सारा इसमें मतलब थोड़ा सा कहीं कहीं अच्छा भी लिखा है और गलत भी लिखा है। उच्च पोर्टेबल डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस और डेटा के लिए स्टाइल्स या पेन के उपयोग का समर्थन करता है। तो यहाँ पे जो है टैबलेट पीसी है, नोटबुक है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप भी। अब यहाँ पे था पोर्टेबल डिवाइस जो इनपुट कमांड करने के लिए डेटा की क्या करते हैं, स्टाइलस या पेन के उपयोग का यहाँ पे समर्थन करते हैं। तो चलिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मतलब पेन से रिलेटेड था, जैसे कि मैं ये है खिसका रहा हूँ, ये खिसक रहा है, माउस से ना खिसका, तो ये पेन है, टच पेन उसे खिसका रहा हूँ। एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किसी डिस्क का उपयोग जो है यहाँ पे किया जाता है, कोल्ड बूट करना है तो इसके लिए सिस्टम डाशिक सिस्टम है यहाँ पे। चलिएगा अगला है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ करना क्या है हमको, की देखना है ना, यानी कि आंसर की देखना है। तो जो हमारी है, जो अभी हुआ था, कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि अब डाउनलोड तो कर लिया उन्होंने पर जिप फाइल में थी, नहीं हो रहा था सो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सोचा चलो आपको वीडियो बना देते हैं। किस मेमोरी को सीपीयू का मुख्य मेमोरी के बीच रखा जाता है? तो जो है यहाँ पे कैश मेमोरी इसका सही आंसर है। अगला जो कि आपसे यहाँ पे पूछा था, क्वेश्चंस अच्छे तरीके से देखना है, आपको ध्यान करना है कि आपने टिक क्या लगाया था, है ना। स्कैनर फिल्टरों का उपयोग प्राथमिक युज रंगों में रंगों के घटक को अलग करने के लिए जो है उपयोग होता है। तो यहाँ पे छवि है, इमेज है और रंग है OCR है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, रिंग है, रिंग नहीं रंग है, है ना, क्योंकि टाइपोलॉजी में पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपसे पूछा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन किस ऑक्टल संख्या को डेसिमल में जो है यहाँ पे परिवर्तित करता है, OCT 2DEC जो फंक्शन जो है यहाँ पे क्या करता है, परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें आपसे कहा है ना, क्या कहा है यहाँ पे देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ओपन ऑफिस क्लिक है और इसमें फंक्शन है इसरो का क्या आउटपुट होगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो है ओपन से और एक आपका प्रिंटर से और आपका एक जीमेल से
और आपका भीम ऐप से, है ना। तो ये कुछ लगातार ही क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ट्रू है, यानी फ्लैश था ना, था नुल था, पर सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन था जो कि आपका यहाँ पे पूछा है आपसे, इसमें क्या कहा है उन्होंने कि विंडोज में 8 विंडोज पैकेज और स्क्रीन तक पहुंचने के लिए किस कमांड का उपयोग यहाँ पे किया जाता है? विंडोज पैकेज है यहाँ पे, पैकेज नहीं, पैकेज है ना, स्क्रीन का। तो यहाँ पे .WFS है, और साथ ही आपने पेपर तो दिया ही होगा तो आपको पता होगा कि इसमें जो है यहाँ पे क्या सही लिखा हुआ था। तो यहाँ पे चलिएगा, बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंटर ना होती है, प्रिंटर एक डिवाइस है। तो प्रिंटर यहाँ पे कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। अगर यही प्रिंटर स्कैन करता तो क्या है, वो इनपुट डिवाइस हो जाती। बट यहाँ पे सही आंसर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उससे प्रिंट निकालते हैं और वो हमें एक क्या करता है, हार्ड कॉपी देता है। कौन सी कॉपी देता है? हार्ड कॉपी देता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा था कि स्पेलिंग रेट डिजिटल छवि की रेजोल्यूशन को निर्धारित करती है। तो यहाँ पे स्पाशियल यानी कि सार्थनिक है ना। अगला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ से पूछा था, इसमें आपसे कहा है कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में VPN शब्द का क्या अर्थ है? तो ये जो है VPN इस टाइम पे मतलब करंट सिचुएशन में बहुत उपयोग हुआ है। तो इसका पूरा नाम था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क था, है ना। क्योंकि पबजी खेलने वालों को पता होगा, जो पबजी हम खेलते हैं वो सब क्या करते थे, VPN खेल खेल के VPN से जो है खेलते थे। क्योंकि जब इंडिया में बैन हुआ था पबजी तो उसके अकॉर्डिंग खेलते थे। चलिएगा यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न था जिसमें पूछा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज प्रिंटर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उसी टाइम पे आ गया था मेरे पास और इसका जो मैंने आंसर ही बता दिया था। तो ये जो है यहाँ पे लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा है, क्या पूछा है देखते हैं जल्दी से, फटाफट से कर लेते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच आने वाले कंप्यूटर लेयर का नाम क्या होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, लेयर का नाम बताना है। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या है, पूरा काम होता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, इसमें आपसे कहा है, तो ये आंसर की को आप जल्दी से कर लेते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है ना। और इसमें जो है क्वेश्चंस थोड़ा पर इंटरप्रेटर ऐसे कर करके मतलब सही तरीके से नहीं छापा है। प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है तो निम्न में से कौन सत्य नहीं है? कंप्यूटर माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो प्रिंटर ड्राइवर करप्ट या यहाँ पे आकर्षण हो सकता है, प्रिंटर में पेपर जाम है, प्रिंटर डिफॉल्ट प्रिंटर के रूप में सेट नहीं है। तो देखो प्रिंटर जो भी होता है डिफॉल्ट के रूप में सेट होता है, प्रिंटर में पेपर जाम होता है, पर यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है तो निम्न में से कौन सत्य नहीं है, ये पूछा है ना, मतलब कौन सा गलत है। तो ये जो है काम नहीं कर रहा है तो ये तो सब सही कर लेते, कंप्यूटर माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, तो सत्य नहीं है ये पूछा। जबकि माउस तो हमारा सत्य है यानी कि सही काम करता है, उन्होंने पूछा था सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। तो क्वेश्चन थोड़े से वैसे मिलते हैं जिसमें मतलब तो आपसे थोड़ा घुमा दिया जाता है, क्वेश्चन में घुमा दिया जाता है कि आप मतलब समझो कुछ और लगा कुछ। तो विंडोज बैकअप उपयोगिता यूटिलिटी द्वारा बनाई गई बैकअप फाइल को सहेजने के लिए किस फाइल का पूर्ण रूप का उपयोग किया जाता है? तो .BKF यानी सही आंसर है, और ये इसमें क्या होता है, बैकअप फाइल दिया जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अभी तो 30 पे ही आए हैं, 23 क्वेश्चन ही करवाए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पेन टेबलेट का फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, निम्न में से कौन सा शुक्र संरचना महत्वपूर्ण भाग नहीं है? सुरक्षा यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो एंटीवायरस का समर्थन करने के लिए रैम की अधिक मात्रा जो है यहाँ पे सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जिसमें आपसे पूछा है, कहा है यहाँ पे हाल ही में, देखिएगा यहाँ पे करंट के कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हाल ही में सभी शब्दों या आमतौर पर उपयोग किए गए पासवर्ड का शब्दकोश उन शब्दों में घूमने की प्रक्रिया चक्कर को हो सकता है जब तक कि खाते को एक से
प्राप्त ना हो जाए। पेन टेबलेट रख देता हूँ, इससे जो है टाइम लग रहा है, बट माउस से करते हैं, है ना। तो घुसपैठ इंटरप्ट होता है, जासूस जी होता है, ध्वनि टैपिंग होती है, तो यहाँ पे जो है कुरल मीटिंग जो है फोरम से यहाँ पे होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा है यहाँ पे, कहा है यहाँ पे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर पैंची फेड असमान या अंत कर्त से प्रिंटर की समस्या की कौन सी क्रिया से ठीक किया जा सकता है। रॉबिन की यहाँ पे बदलना होगा, है ना। अब यहाँ पे पैची था, प्रिंटर में फेड ऐसे मतलब असमान है, तो यहाँ पे किससे करोगे आप, रॉबिन को बदलना होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें आपसे पूछा है यहाँ पे कि संपीड़न विधियों को वायुरूप से संपीड़न में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो हानिकारक अथवा हानि रहित। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि जब आप किसी विशेष कार्य में बहुपृष्ठ दस्तावेज की पृष्ठों को प्रिंट करना चाहते हैं, तो अपने में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे, क्वालेट का करेंगे। इसमें क्या पूछा, तो बहुपृष्ठ दस्तावेजों का, तो उसे क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्वालेट का जो है यहाँ पे यूज करेंगे। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, तो इसमें कहा है आपसे ब्रॉडकास्टिंग वेब फॉर्मेटिंग BWF लोकप्रिय ऑडियो पूर्ण रूप का विस्तार है, तो यहाँ पे जो है वेब है, यानी कि हम क्या करते हैं, जब बात करते हैं तो वेब के द्वारा नेट जो होता है हमारा वहां से ही करते हैं वेब। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ से पूछा है, इसमें कहा है यूनिक्स की प्रत्येक फाइल में एक्सेस अनुमति विशेषताओं को निम्नलिखित श्रेणी है, ऑनर परमिशन है, ग्रुप परमिशन है, अदर परमिशन भी है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, ए भी होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर की बता रहा हूँ आप सभी के लिए, तो इस आंसर की को देखना होगा कि आपका कौन सा सही मतलब लगाया था आपने और क्या आपका यहाँ पे गलत हो गया। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है, तो सफारी यहाँ पे जो नहीं है, गूगल हुआ, याहू हुआ, एक्साइट हुआ, ये तीनों क्या हो गए, सर्च इंजन हो गए हैं। तो इससे भी क्या है, सही तरीके से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, और इसका जो PDF फाइल चाहिएगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एम कॉमर्स क्या है, तो ये जो है मोबाइल कॉमर्स है, यहाँ पे मतलब ऑप्शन भी देखना है, मशीन कॉमर्स है, मनी कॉमर्स है, मार्केटिंग कॉमर्स है, तो इस प्रकार से जो है एम कॉमर्स क्या होगा, मोबाइल कॉमर्स होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें देखते हैं आप यहाँ पे एडिटर या प्रोग्रामर है जिसमें डेवलपर को यह देखने की अनुमति होती है कि इंटरफेस या दस्तावेज बनाते समय अंतिम परिणाम कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, WYSIWYG है, यानी कि शॉर्ट फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, फटाफट से हमको क्या करना है, आंसर की देखना है, और इसकी PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, 2-3 दिन के बाद मिल पाएगी, क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत काम पड़ा हुआ है। कोष्टक परिनेथिसिस की अनुपस्थिति में संचालन के सरलीकरण का काम क्या है, तो घातांक है, गुणन है, या विभाजन या जोड़ घटाव है। यहाँ पे सही आंसर क्या था आपका, घातांक गुणन या विभाजन या जोड़ घटाव था। अगला क्वेश्चन जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है आपसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिपबोर्ड पर चयनित पाठ को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एमएस पावर पॉइंट में टेबल में टैब स्टॉप सम्मिलित करने के लिए मुख्य संयोजन क्या है, कंट्रोल प्लस टैब, सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा है यहाँ पे प्रेजेंटेशन के दौरान एमएस पावर पॉइंट में कंप्यूटर के टास्क को देखने के लिए कुंजी संयोजन क्या होता है, तो आप क्या चला रहे हैं यहाँ पे, एमएस पावर पॉइंट चला रहे हैं, तो कंट्रोल प्लस यहाँ पे टी होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, एमएस एक्सेल में संबंधित डेटा के दो सेट की तुलना करने के लिए एक सामान्य पाई चार्ट को संशोधित पोलर एरिया चार्ट से अध्यारोपित करता है, तो सुपर सुपाई चार्ट लिखा, सरफेस चार्ट होता है वैसे, यहाँ पे डोनर चार्ट है, एक्सेल सर्वर चार्ट है, तो इस प्रकार से मतलब ऑप्शन भी आप देख रहे हो किस तरीके से CPCT ने आंसर की डाली है, कि आपको पढ़ने में भी बहुत मतलब वो लगेगा। तो यहाँ पे एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के किसी
की को बदलने के लिए कुंजी संयोजन का प्रयोग करेंगे। तो एम एस में चयनित टैक्स है तो उसको जो है बदलना है, तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज किया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछा है, तो यहाँ पे देखिएगा ईमेल के आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे देखेंगे रे एमिल्सन यहाँ पे जो है इसका सही आंसर है। बाकी के ऑप्शन जो हैं वो भी मतलब बता दूंगा, तो एक ही करके जैसे यहाँ पे देखते जाएंगे तो क्वेश्चन के हमें आंसर की देखना है। तो इसमें मतलब ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आविष्कार हैं इसके टिम बर्नर्स ली हैं और टमी लिख दिया है इन्होंने। ऐसे ऐसे मतलब CPCT में बैठे हैं जो ऐसी ऐसी की बना देते हैं, देख रहे हो आप टमी। टिम बर्नर्स ली है उसका पूरा नाम। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमस वर्ड 2003 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के दाएं बाएं के लिए डिफॉल्ट विकल्प चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है। तो 1.25 इंच है और 1.25 इंच है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पे डी है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा था कि यहाँ पे ये जो लिखा है ना न्यूमेरी से बाइनरी नंबर में है ना 1002 का पूरा कौन सा है, तो यहाँ पे 1000 ही होगा। तो मतलब CPCT आंसर की इस बार थोड़ा अलग टाइप से डाली है, तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चित रहे, पर आप जो क्वेश्चन देखे थे ना वो क्वेश्चन ही है सारे। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी विधि फंक्शन की कुंजी सेल में कंटेंट को संपादित करने की अनुमति देती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या था, F2 था। चलेगा यार अब तो मतलब तो समझ रहे हो इसकी से, आपसे पता लगा लो आप कि कितने क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन सही गए थे। इसके लिए है सिर्फ पेपर पेपर सेट सेट डायलॉग्स बॉक्स में मिलने वाली विशिष्ट फाइल यूनिट नियंत्रण है, क्योंकि यह प्रिंटर को बताता है किसी प्रिंटर में पेपर लेना है, किस प्रिंटर में जो है यहाँ पे पेपर लेना है, डॉक्यूमेंट है तो ये नहीं है यहाँ पे। चलिएगा बढ़ते हैं, मतलब मुझे भी यार मजा नहीं आ रहा, CPCT वालों ने कैसी आंसर की डाली है। इमोटेक्स लिखा है, इन का वास्तविक रूपांतरण के डेविक समकक्षों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सुविधा के माध्यम से किया जाता है, ऑटो करेक्ट के द्वारा है ना। तो साइनोनिम्स होते हैं, इमोटोफोनिक्स लिख दिया है यहाँ पे। क्या बनाई है भाई इस बार इन्होंने CPCT। तो देखिए एमएस एक्सेल 2010 और 2013 में मैक्रोस को कैसे काम किया जाता है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल पर नेविगेट करें, फिर ऑप्शन, फिर ट्रश एंटर, ट्रश एंटर सेटिंग, यानी कि आपका 3 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि एमएस ऑफिस एप्लीकेशन जो पंक्तियों और कॉलम में पाइवट स्थित डेटा का उपयोग करता है वह कहलाता है, तो यहाँ पे जो है एक्सेल है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जिसमें आपसे पूछा है कि ओपन टाइप फॉन्ट के दो प्रकार होते हैं, इसमें टाइप 1 और टू टाइप्स फॉन्ट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आपका, जिसमें पूछा है आपसे विंडोज एक्सप्लोरर फाइल खोलने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का जो है शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर खोलना है तो विंडोज की प्लस ई का यूज करेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो कि आपका कंप्यूटर का है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दबाने से प्रोग्राम में सर्किट टैब या विंडो बंद हो जाएगी जो एक से अधिक टैब या वीडियो को खोलने का समर्थन करता है, तो Ctrl+F4 का यहाँ पे यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका यानी कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिएगा एमएस वर्ड में स्वचालित रूप से उन्हें टेक्स्ट के पहले और बाद में ब्रेक लगाता है, जिसका नया पेज ओरिएंटेशन होता है वो होता है यहाँ पे सैमसंग, सही आंसर था। चलिएगा बढ़ते हैं, अब इसका जो पैराग्राफ था उस पैराग्राफ को आपने पढ़ा होगा एग्जाम में, पढ़ने के बाद आपने आंसर भी दिया होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन था, अब शीत देशों में जहाँ सर्दी बहुत ही लंबी और बहुत ही ठंडी नहीं होती है, तो इस प्रकार से ये क्या था यहाँ पे पैराग्राफ था, तो ये गिलहरी को लेकर था, भेड़ियों को लेकर था। तो यहाँ पे मैं सीधा चलता हूँ क्वेश्चन की, है ना, आपने तो पढ़ा ही है। जानवरों का हाइबरनेशन किसके द्वारा संदर्भित होता है, तो ठंडे सर्दियों के महीने में उनको सोने के लिए किया जाता है, ये इसका सही आंसर था। फिर पूछा था दुनिया के उत्तरी उत्तर गोलार्ध के कई जानवर सोने के लिए जाते हैं, इसका मतलब कई महाद्वीप को छोड़कर भी महाद्वीपों के जानवर सोने के लिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर था उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के जाते थे, है ना। अगला प्रश्न था यहाँ पे आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव सर्दियों के लंबे महीनों में नहीं सोता है? तो इसका सही आंसर था यहाँ पे भेड़िया नहीं सोता है। अगला प्रश्न था, आपको ठंडे खून वाले जानवर पूरी सर्दी के मौसम में किस कारण से सोते हैं? तो यहाँ पे इसमें मतलब सही मतलब आपको बताना था इसमें क्रम, तो 1 2 4 5 इसका जो है यहाँ पे क्रम है। तो 1 2 4 में मतलब जैसे कि 1 पे आपका उनके खून का तापमान कम होने लगता है, 2 में उन्हें अपने सामान्य दुश्मनों से छिपने की आवश्यकता बढ़ती है, फिर 4 आएगा फिर जल्दी से स्थानांतरित होने की अपनी क्षमता खो देते हैं, और जब गर्भन करने लगता है बहुत दुर्लभ हो जाता है। तो चलिएगा यहाँ पे पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा था, हाइबरनेट करने वाले जानवर को गलती से मृत कार्यों समझा जाता है और उस कथन को चुने जो गलत है, शरीर में इतना दर्द होता है कि सभी जानवर बेचैन हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे मैथ से रिलेटेड है, तो मैथ में जो भी क्वेश्चन आए थे तो यहाँ पे पूछा था इसे बॉर्ड मास रूल से पूछा था ये क्वेश्चन, है ना? तो ये बॉर्ड मास से रूल से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें आपको बताना था और इसको क्या करना था, कैलकुलेशन करके बताना था। तो सही आंसर इसका ये था, है ना, 83.35 था। अब भी आप आसानी से घर पे बैठ के वेलो पर आप करिएगा और आपका हो जाएगा। ये पूछा था यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, इस वृत्त का क्षेत्रफल याद करेंगे, तो इसका सही आंसर कितना था, 154 वर्ग सेंटीमीटर था, है ना। अब ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, तो नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन था यहाँ पे तो इसमें पूछा था इस तरीके से 210, 209, 213, तो यहाँ पे सही आंसर क्या था, 77 था। अगला प्रश्न था आपका यहाँ पे, तो डाटा इंटरप्रिटेशन से है जो कि ग्राफ्स और उससे है, तो इसमें पूछा था आपसे कि निम्नलिखित संख्या में से केवल एक संख्या गलत है, वह गलत संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे बताना था, तो इसमें जो है क्रम होता है जैसे 34 है, फिर इसमें 3 जोड़ा 37 हुआ, तो ऐसे करके करना था, बट आपने जो है यहाँ पे कर लिया होगा, तो 34 इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछा था, जो क्वेश्चन था आपका कहाँ से था, परसेंटेज क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से था। तो यहाँ पे जो पूछा था कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, तो ककस्था लिख दिया है यहाँ पे, एक कक्षा में था, है ना, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर था 19,335 था। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे आंसर की है हमारी, फटाफट से देखना है और ज्यादा करना नहीं है। ये क्वेश्चन भी था यहाँ पे कि रीता की वर्तमान आयु, ये आयुष्य रिलेटेड क्वेश्चन था और इसमें जियोमेट्री से रिलेटेड था। सही आंसर यहाँ पे क्या था, 28 था, है ना। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिए आप, सॉल्व भी आसानी से कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे जो हमारा है रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में जो है अल्फाबेट से पहले क्वेश्चन लिया है, अल्फाबेट टेस्ट में यहाँ उन्होंने पूछा था कि सार शब्द दिए गए, यदि सभी शब्दों को एक शब्दकोश के अनुसार वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो डिक्टम यहाँ पे था। अब मैं इसका जो है आपको बनाऊंगा वीडियो, तो रीजनिंग में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन वगैरह और जो जो आ रहा है वही वही मतलब सॉल्व करवाऊंगा, है ना। चलिएगा यहाँ पे पूछा था आपसे जो कि 65 का क्वेश्चन है, इन 3 शब्दों के संबंध में उचित वर्णमालिक विकल्प का चयन करें, दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, तो ये यमुना नदी के तट पर क्या है, स्थित है। अगला है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से पूछा हुआ है, जिसमें कहा है आपसे कि गिली का लेमिनिंग से वह संबंध है, अब गिली का लिख दिया है ना, तो ये गिल होना था, तो कुपिकाओं से जो है यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट से और इसको खत्म करते हैं भैया। यहाँ पे देखिएगा ये जो है इसमें था, निम्नलिखित संख्या में पहचान के स्थान पर क्या आएगा, जैसे इन तीनों को जोड़ के रखा है, इन तीनों को, इन तीनों को, तो इसी के अनुसार हमको चौथा भी रखना था, तो सही आंसर आपका था MNQ था। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपका है 68, तो इसमें जो है यहाँ पे देखिएगा एक बाई तरफ है एक श्रृंखला के 10 पदों के मानों का योग होगा, है ना, उसका मान है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे सही आंसर क्या था, 118 था। भैया मैं भी बोलते बोलते ना मतलब पैसे हो गया यार, तो यहाँ पे ये जो मतलब नीचे विकल्पों में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं, जबकि इनमें से एक भिन्न है, भिन्न शब्द की पहचान करना है, तो कोरेटेक्स जो है यहाँ पे अलग भिन्न है, लियोन दरियम बार्ट जनरल अवेयरेंस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे, 6 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए थे यहाँ पे चेक करिएगा फटाफट, यानी 7 क्वेश्चन है। जीवन के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान को कहते हैं, तो यहाँ पे क्या था, जीव विज्ञान था।
अगला प्रश्न था आपका यहाँ पे, जिसमें पूछा है आपसे शुरू ऋतु कब किससे जुड़ा है, तो ये जो है फुटबॉल से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न था आपका यहाँ पे, देश का राष्ट्रीय आय होता है घटक आय का कुल योग होता है। अगला था यहाँ पे आपका, जिसमें आपसे पूछा था कि वर्ष 1986 में सर्वाधिक खराब परमाणु दुर्घटना में 31 लोग, तो यहाँ पे जो पूरा पढ़े होंगे तो इसमें था चेर्नोबाइल पूर्ववर्ती सोवियत संघ। अगला प्रश्न है इसका यहाँ पे, जिसमें आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान ओल्ड फोरम का भंडार है, तो चैन पत्थर और देखना यहाँ पे सही आंसर था। अगला प्रश्न था जो आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था, क्षमता मंडल में ओजोन का क्षय मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके कारण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा हो रहा है। इसके बाद थी आपकी इंग्लिश टाइपिंग, तो इंग्लिश टाइपिंग में आप देखेंगे यहाँ पे जो मैटर था वो किस प्रकार आया हुआ था, यहाँ पे था मतलब सभी लोग कह रहे थे यार कि टाइपिंग बहुत इजी आई है, तो इजी ही सेम है यहाँ पे, कोई इतनी हार्ड टाइपिंग नहीं थी कि आप कर नहीं पाओ। तो देखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आंसर की देने का काम किया है आप सभी को, और इसकी जो आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा माय सीपीसीटी एग्जाम से, है ना, तो वहां पे जाके आपको जो है मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आंसर की जारी करके अपन जो है इस काम को ऑफ कर देंगे, फिर सीपीसीटी की प्रीवियस पेपर लेंगे, इन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व भी करेंगे। तो अभी आंसर की का था तो मैंने ऐसे जल्दी जल्दी कर भी दिया, तो यहाँ पे जो अपना आंसर की आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे इसमें जो है यहाँ पे हमें मतलब क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन को जो है सॉल्व यहाँ पे करना था।